नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। जी हां, आज से पंचायत सचिव संगठन और रोजगार सहायक संगठन कलम बंद हड़ताल पर चले गए। पंचायत सचिव संगठन और रोजगार सहायक संगठन आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते 1 और 2 अक्टूबर को कुछ दबंगों द्वारा सचिव संगठन अध्यक्ष के घर पर जाकर उपद्रव किया गया था और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पंचायत कर्मियों के हड़ताल पर जाने से आज दिन भर ग्रामीण अंचल से आने वाले हितग्राही परेशान होते रहे। पंचायत कर्मी तहसील परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पंचायत कर्मियों का कहना है कि यह हड़ताल और धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करता है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। एक दस दो हजार बीस को ग्राम फिरिया के दारू सिंह यादव को कुछ दमंग साथियों द्वारा मेरे घर पर आकर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में हमने एसडीएम महोदय, तहसील एसडीओपी मैडम और सीओ मैडम को ज्ञापन दिया था और तुरंत कार्रवाई के लिए मांग की थी कि गैर जमानती धाराएं कायम कर उन लोगों के प्रति कार्रवाई की जाए ताकि हम लोग कर्मचारी सुरक्षित रहें। दोनों संगठनों ने, जीआरएस संघ और सचिव संगठन ने, मगर आज दिनांक 8/10/2020 तक वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण दबंग खुले घूम रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज सचिव संगठन कुरवाई एवं रोजगार सहायक संगठन कुरवाई द्वारा निर्णय लिया है कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। और हड़ताल से वापस जाएंगे। प्रशासन को इस चीज पर गौर करना चाहिए कि सचिव एवं सहायक सचिव ग्रामीण स्तर पर शासन की योजनाओं को जनता के लिए क्रियान्वयन करता है, और यदि इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ करती रहीं तो हम कहां से सेफ रहेंगे। हमारे बाल बच्चे भी हैं घर पर। कोई भी व्यक्ति आकर शासकीय कार्य में बाधा डालता और शासन उस पर कार्रवाई नहीं करता तो हम मजबूरी है कि हम लोगों को हड़ताल पर जाएं। आप क्या करोगे? क्या करेंगे? परेशान है।